नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। करते हैं खबरों की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। ऑस्कर में भारत को पहली बार दो अवार्ड, नाडू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, द एलिफेंट विस्पर्स बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। 2024 के लिए ममता ने रखा 40 सीटों का टारगेट, 23 साल में 12 राज्यों में गई लेकिन फेल, अब बंगाल की मुस्लिम बहुल सीट भी हारी। लंदन में राहुल के लिए दिए बयान पर संसद में हंगामा, भाजपा बोली माफी मांगे, खड़गे ने कहा देश संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा। आरएसएस की शाखा और संगठन में महिलाओं की एंट्री तय, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देकर लोगों को जोड़ेंगे, मुसलमानों के बीच इमेज सुधारने की तैयारी। दूसरा श्रीलंका बन रहा पाकिस्तान, कर्ज महंगाई ने तोड़ी कमर, कंगाली के बीच चुनावी खर्च जुटाना बड़ी चुनौती। थाईलैंड में एयर पॉल्यूशन से खतरा बढ़ा, एक हफ्ते में 2 लाख लोग अस्पताल में भर्ती, घरों से ना निकलने और N95 मास्क पहनने की सलाह। सऊदी अरब की नई एयरलाइंस कंपनी क्राउन प्रिंस सलमान ने शुरू की रियाद एयर, दुनिया के 100 डेस्टिनेशन को करेगी कनेक्ट। ऑस्कर में 62 साल बाद रेड कार्पेट नहीं, अब सनसेट से इंस्पायर्ड शैंपेन कार्पेट, होस्ट बोले लाल रंग हटा, उम्मीद है मारपीट भी नहीं होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद टेस्ट का आखिरी दिन, हेड लाबू सिंह के नाम रहा पहला सेशन, कंगारू टीम अब भी 18 रन पीछे। कोहली का 75वां इंटरनेशनल शतक, सोशल मीडिया पर उनकी शान में पढ़े गए कसीदे, सहवाग बोले विराट की यह एक असाधारण पारी। फिलहाल इतना ही, हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन्वेस्टिगेटिया न्यूज। नमस्कार।